और चलिए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। इंदौर से बड़ी खबर मिल रही है जहां विधायक और पार्षद के बीच विवाद हुआ है। इंदौर से खबर आपको दे रहे हैं, बता दें कि जहां विधायक और पार्षद के बीच विवाद हुआ है, वार्ड क्रमांक 41 की भाजपा पार्षद नीता शर्मा और इंदौर वन के जो विधायक है संजय शुक्ला, इनके बीच कहासुनी हुई। मुद्दा था जल जमाव को लेकर। जी हाँ, जल जमाव को लेकर क्षेत्रवासी काफी समय से यहाँ पर शिकायत कर रहे थे, परेशान थे और इसी बात को लेकर विधायक और पार्षद के बीच विवाद हुआ है। इंदौर वन से बता दें विधायक है संजय शुक्ला और वार्ड क्रमांक 41 की भाजपा पार्षद है नीता शर्मा। विधायक संजय शुक्ला और पार्षद नीता शर्मा के बीच विवाद हुआ है। तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और चलिए ज्यादा जानकारी लेते हैं, हमारे संवाददाता ललित हमारे साथ जुड़े हुए। ललित, तस्वीरें हम देख रहे हैं, विधायक और पार्षद के बीच विवाद हुआ है, वजह क्या थी? देखिए नीता, मैं आपको बता दूं कि इंदौर में अब चूंकि निकाय चुनाव समिति है, उसको लेकर लगातार जो पार्षद और विधायक है वो अपने अपने स्तर पर कार्य कर रहे हैं। हाल ही में इंदौर में जो नगर निगम द्वारा स्मार्ट सिटी के तहत जो नाला टेपिंग की कार्रवाई की गई है और ड्रेनेज सिस्टम उसके कारण खराब हुआ है, जिसके चलते तमाम जो इंदौर में जरासी बारिश के चलते पानी का जल जमाव देखने की स्थिति में देखने को मिलता है। मैं आपको बता दूं कि इंदौर में लगातार जरासी बारिश के चलते प्रत्येक कॉलोनी में या प्रत्येक मुख्य सड़क पर जल जमाव की स्थिति बन रही है। हाल ही में ये पल्लन नगर का इलाका है, 60 फीट रोड कहलाता है, एयरपोर्ट के नजदीक ये पल्लन नगर है, वहां पर ये पिछले कुछ दिनों से ड्रेनेज का पानी कॉलोनी में आ रहा था, जिसको लेकर स्थानीय रहवासी काफी रोष में थे और वहां की पार्षद है, क्योंकि वार्ड क्रमांक 41 है और वार्ड क्रमांक 41 में नीता शर्मा करके जो भारतीय जनता पार्टी की विधायक है और वहां पर जो विधायक है वो कांग्रेस के संजय शुक्ला हैं, तो पार्षद और जो विधायक हैं उनके बीच में कहासुनी हुई है इस बात को लेकर कि पिछले कई दिनों से हम शिकायत कर रहे हैं कि स्थानीय रहवासी जो है वो ड्रेनेज के पानी के कारण परेशान हो रहे हैं, लेकिन विधायक महोदय सुन नहीं रहे, लगातार अनदेखी कर रहे थे, जिसको चलते ये विवाद की स्थिति आज बनी है। जी ललित, ये भी बताए, जो आपने बताया पल्लव नगर का ये जो पूरा मामला है जहाँ पर जल भराव की स्थिति थी और जो स्थानीय लोग थे वो इसे लेकर शिकायत कर चुके थे, लेकिन ये दोनों ही जो जनप्रतिनिधि है, क्या इन लोग ने कोई सुध नहीं ली, क्या जनता से बात करने की कोशिश नहीं की? क्योंकि जल भराव हो गए, जाहिर सी बात है, हमने कोविड देखा, उसके बाद डेंगू की समस्या है वो भी हमारे सामने है, तो जनप्रतिनिधि की यह जिम्मेदारी थी कि वो लोगों की समस्याओं को सुने। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो नीता शर्मा है, जो कि पार्षद 41 नंबर की, क्योंकि इंदौर में जो भारतीय जनता पार्टी की नगर निगम काबिज है, तो उसके बावजूद भी निगम जो है कार्य नहीं कर पा रही और जल जमाव के चलते कई जगह जो है लगातार ये शिकायतें आ रही कि डेंगू फैल रहा है और वहाँ के स्थानीय लोग बीमार हो रहे हैं। अब चूंकि ये जो विवाद है, ये जिम्मेदारी स्थानीय पार्षद की बनती है कि वहां पर जल जमाव जब हो रहा है तो उसको देखें और उस पर कार्य करें, लेकिन जब विधायक संजय शुक्ला वहां पहुंचे हैं तो रणनीति के तहत संजय शुक्ला को वहां पर घेरा गया और ये आरोप लगाया गया कि संजय शुक्ला के चलते, विधायक के चलते ये स्थिति बनी है और विधायक अपने क्षेत्र में बिल्कुल भी कार्य नहीं कर रहे हैं। जी चलिए, शुक्रिया ललित तमाम जानकारी के लिए। तो पार्षद और विधायक के बीच विवाद हुआ, ये तस्वीरें में हमने आप तक दिखाई। बता दें पल्लव नगर का ये पूरा मामला था जहां पर सीवरेज के पानी को लेकर समस्याएं लोग झेल रहे थे और इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ।